दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जुलाई मंथ के करंट अफेयर। जैसे कि आप सभी जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 10 से 15 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर करंट अफेयर रहेगी वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले भी हम जो है वीडियो डाल चुके हैं, आप जाकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पिछले जितने भी मंथ्स रहे हैं उनके करंट अफेयर भी हमने अपलोड किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, हु फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स फॉर द अमरनाथ यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो फर्स्ट बैच है अमरनाथ यात्रियों का वो किसके द्वारा रवाना किया गया है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे रहेंगे रविंदर रैना, एलजी मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अमित शाह। दोस्तों आप अपने हिसाब से भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बी ऑप्शन एलजी मनोज सिन्हा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, जो पहला बैच है 1 जुलाई को जो है पिलग्रिम्स का अमरनाथ यात्रा का यहाँ पे रवाना किया गया था। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अमरनाथ केव की बात करें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जान लेते हैं। अमरनाथ केव में आपको नेचुरल जो है आइस का शिवलिंग जो है आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो अमरनाथ केव है ये 3888 मीटर एल्टीट्यूड पे है। और इसी के बात करें ये जो है पहलगाम में है जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अमरनाथ केव आपको पहलगाम में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों देखने को मिलेगी। और अमरनाथ केव की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको महागुना पास, साथ ही साथ महागुना पास के साथ साथ आपको शेषनाग लेक भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दोस्तों आईने अकबरी में जो लिखी गई है अब्दुल फजल के द्वारा, जी हाँ दोस्तों अब्दुल फजल के द्वारा आपकी जो आईने अकबरी लिखी गई है उसमें भी आपको अमरनाथ केव का जो मेंशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इंक्रीसेस रिटायरमेंट एज ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 62। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो होते हैं उनकी एज जो है रिटायरमेंट एज 60 से लेकर कितनी की गई है। ऑप्शन आपके पास है 60, 70, 65, 62। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, 60 से लेकर रिटायरमेंट एज जो है 65, अब मतलब 5 साल जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी गई है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट आपकी करंट अफेयर रहेगी, थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट चैटबॉट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड नेम्ड। तो क्या इसका नाम है, जो पहला चैटबॉट है जम्मू एंड कश्मीर का वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है तो इसका नाम क्या रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीमानस, टेलीबॉट, टेली जे के पी, टेली जे के। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर करेक्ट लगाएंगे। तो ये टेलीमानस जो है दोस्तों आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब टेलीमानस की बात करें तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट्स, ये आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर ये आपको जानकारी देगा ऑनलाइन तरीके से। ये जो है दोस्तों यहाँ पे टेलीमानस चैटबॉट है वो दोस्तों लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट चैटबॉट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च न्यू एप्लीकेशन फॉर ए पायनियरिंग इनिशिएटिव फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इन द यूनियन टेरेटरी। जी हाँ दोस्तों, सेंटर में जितनी भी स्कीम्स लॉन्च होती है या फिर एक तरह से आप कह सकते हो सर्विसेज जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है। तो जेके ई कॉप, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, आपका मोबाइल आपका दोस्त, या बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा। हालांकि इसका इसमें जो आपका मोबाइल आपका दोस्त है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है, लेकिन जो दोस्तों ये इनिशिएटिव लिया गया है जो सेंटर की स्कीम्स होती है जितनी भी स्कीम्स आती है वो जम्मू एंड कश्मीर लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आपका मोबाइल हमारा दफ्तर जो ऐप है वो दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बलिदान स्तंभ जो है अमित शाह जी ने श्रीनगर में यहाँ पे इनोग्रेट किया था, ये आपका श्रीनगर में देखने को मिलेगा बलिदान स्तंभ। एक जो बलिदान स्तंभ है वो आपको जम्मू सिटी में भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिथियम रिजर्व आप सभी को पता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने को मिले थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट, और कितने थे 5.9 मिलियन टन जो है आपको लिथियम रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्ट फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फोकस्ड ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो आपका दोस्तों इस बार कर रहा था जुलाई मंथ में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्ट वर्क है वो किसको, यहाँ पे कौन से आर्ट फॉर्म को फोकस किया गया है। ऑप्शन जो है पेपर माचे, वुड क्राफ्टिंग, वीविंग या नाबदा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे नामदा आर्ट फॉर्म जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये इसलिए यहाँ पे किया गया है, फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि 2018 या फिर 8 से एक तरह से कह सकते हो जितने भी पुराने साल रहेगा, इसकी जो यहाँ पे अहमियत एक तरह से कह सकते हो कि ये अब डिक्लाइन होते जा रहा है, मतलब इसका यूज़ जो है काफ़ी कम होते जा रहा है। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो वर्ल्ड यूथ आपका स्किल डे हुआ था उस पर इस चीज़ को फोकस किया गया था ताकि इन चीज़ों को दोबारा से जो है मेजोरिटी में लाया जाए। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खीर भवानी मेला ये आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो उसके जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट आंसर रहेगा। लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ पे बात करें तो आपका लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, ये आपका दोस्तों भद्रवाह में हुआ था, भद्रवाह इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टू न्यूट्रलाइजिंग द हाइडिंग टेररिस्ट जुलाई 2023। जी हाँ दोस्तों, जो ऑपरेशन पूछा गया है वो 2023 का पूछा गया है, जुलाई मंथ में कौन सा ऑपरेशन ऐसा लॉन्च किया गया है जो हाइडिंग टेररिस्ट होते हैं उन सभी के लिए। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन काम डाउन, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका डी पार्ट, ऑप्शन त्रिनेत्र टू जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे रहेगा। तो साथ ही साथ इन ऑपरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट ये दोस्तों आपका 2017 में लॉन्च किया गया था, ये भी टेररिस्ट को लेकर था। ये दोस्तों आपका 2023 में लॉन्च किया गया था। ये तीनों जो है आप एक तरह से याद में रख सकते हो इन चीज़ों को भी। तो इसका ऑप्शन डी पार्ट रहेगा, ऑप्शन त्रिनेत्र जो है ये हाइडिंग टेररिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे रहेगा। अब जीआई टैग की बात करें तो बसोली पेंटिंग जो है यहाँ पे आपकी जीआई टैग देखने को मिला था, ये बसोली की है मोस्टली, यहाँ पे बसोली जो कठुआ में आपका आता है, कठुआ की यहाँ पे दोस्तों आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक तरह से आपको पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आपको डी में भी पूछा गया तो आपको पूछेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो बसोली पेंटिंग है ये कहाँ की है, तो ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट की आपको देखने को मिलेगी बसोली की। और वुडन क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है, तो ये वुडन क्राफ्ट कहाँ का रहेगा, तो दोस्तों ये आपका लद्दाख का रहेगा, लद्दाख इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, मचेल माता यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, मचेल माता यात्रा जो है कहाँ से शुरू गई है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके जो ऑप्शंस है, किश्तवाड़, सोपोर, जम्मू, कठुआ ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो किश्तवाड़ रहेगा। दोस्तों इसकी जो यात्रा है 25 जुलाई को यहाँ पर शुरू की गई है, और जो यात्रा रहती है वो आपको पता ही है किश्तवाड़ से लेके पद्दर वैली तक रहती है। ये जो मचेल माता का जी का मंदिर है ये आपको पद्दर वैली में ही देखने को मिलेगा, और ये किश्तवाड़ में देखने को मिलेगा, ये दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेंपल रहता है, टेंपल इस तरह का आप देख सकते हो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह, टेंट सिटी, यहाँ पे जो लोग स्टे करते हैं उसको टेंट सिटी कहा जाता है। जैसे ही जो आपके मतलब यहाँ पे आप रहोगे, स्टे करने की जो जगह होती है उसको यहाँ पे टेंट सिटी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट गेट्स फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन है करगिल, ये जुलाई के मंथ की जो है करंट अफेयर है। विच डिस्ट्रिक्ट गेट्स फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन, ऑप्शन है करगिल, जम्मू, डोडा, कठुआ। तो इसका ऑप्शन आपको पता ही होगा, करगिल इसका जो है दोस्तों सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जम्मू, डोडा, कठुआ में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन की बात करें तो वो आपका करगिल में यहाँ पे ओपन किया गया है। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज टू डे पासपोर्ट मेला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट मेला जो है अभी अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूँ इसका जो आंसर रहेगा वो पूंछ रहेगा। वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है या फिर कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज किया है टू डे पासपोर्ट
यानी कि 2 दिनों का पासपोर्ट मिला। तो पुंछ इसका जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एक जो लास्ट करंट अफेयर आपकी है, वेयर इज प्रकाचिक ग्लेशियर लोकेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्लेशियर है ये आपको न्यूज़ में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस ग्लेशियर में अभी रिसेंटली 3 लेक्स जो हैं फॉर्म हुई है, मतलब 3 लेक्स जो हैं बनी हैं। तो इसलिए ये जो ग्लेशियर है हाल ही में चर्चाओं में है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो लद्दाख रहेगा। लद्दाख में आपको ये ग्लेशियर जो है देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेशियर यहाँ पे जो है इस तरह का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक तरह से सोर्सेज से अपडेट निकल के सामने आ रही है कि इस ग्लेशियर में 3 जो लेक्स हैं वो फार्म हुई है। तो यही था दोस्तों ये जो मोस्टली करंट अफेयर जो इम्पोर्टेड थी। बाकी दोस्तों जो इंडिया के करंट अफेयर है वो आप अलग से भी पढ़ सकते हो, उसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इसकी भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।